Nico! Yeah! Akia. Gotham. Thanks, yeah. Shelly? कौन था सर? आ गया। शायद वही होगा जो इन्हें जलाना चाहता था। खैर उसे तो हम पकड़ लेंगे। पहले इन्हें देख लेते हैं। तुम लोगों ने गौर किया? इन लोगों के जिस्म पे एक ही जगह पर निशान है और वो भी एक जैसे। सबके सीने पर दो दो छेद, लेकिन ये आए कैसे होंगे? हाँ सर, और इनके हाथ की हालत देखिए, फिंगरप्रिंट्स भी लेना संभव नहीं है सर, और इनमें से किसी का भी सर का तो कोई पता ही नहीं है। रैंक सर, ये सारी बॉडीज फोरेंसिक डिपार्टमेंट भिजवाओ और उनसे कहो कि जल्द अजल्द पता करें कि ये निशान किस चीज के हैं। सर बस यही बचा है, बाकी सब चल गया। सर ये फटे पुराने कपड़े, ये पर्स और ये गमछा देखकर लगता है कि ये सब चीजें किसी गांव वाले की हैं। अगर ऐसा है तो हो सकता है कि शायद ये लोग शहर में मजदूरी करने आए हों। सर ये देखिए, ये जला हुआ पेपर जो पूरी तरह जल गया है, अब इसको छुएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। एक काम करो, ये सारे सामान को फॉरेंसिक लैब में ले जाओ। तुम लोग सब राइट सर। ये सारा सामान उन्हीं लोगों का है जिनकी बॉडीज हमको मिली। जला देता वो सब और इन बॉडीज को भी अगर हम यहां नहीं पहुंचते। इन लाशों के सर नहीं है और फिंगरप्रिंट्स भी नहीं मिल सकते क्योंकि इनके हाथ भी जला दिए गए हैं। इस केस में हमारे पास ऐसी कोई लीड नहीं जिससे ये पता लगे कि ये लोग थे कौन। कुछ लोग जो इस शहर के नहीं है, भला कोई क्यों मारना चाहेगा इन्हें? चंदन चंदन क्या जमीन कर सर। रेलवे टिकट चंदन, इसको जरा और जूम करो। कोच नंबर तो है लेकिन सीट नंबर जल गया है। पूरन पूरन पूरनगंज, डेट 10 मार्च 2012। चंदन पता करो कि पूरनगंज कहां पे है। सर ये देखिए सर, उत्तरपुर में एक गांव है। उत्तरपुर? हमें यह तो मालूम है कि जिन विक्टिम की बॉडीज हमको मिली है ये मुंबई के नहीं है। अब इनमें से एक या इनमें से सारे पूरनगंज से आए। इसका मतलब पूरनगंज से वो लोग आए और आते ही मारे गए। सर यह फॉरेंसिक रिपोर्ट क्या है इसमें? सर जिन आदमियों की हमें लाशें मिली हैं उनकी मौत कैसे हुई ये तो पता नहीं चला, लेकिन वो जो दो निशान थे वो इलेक्ट्रिक शॉक के थे। इलेक्ट्रिक शॉक? इन रिपोर्ट्स में ये भी लिखा है कि ये लोग फिजिकली बिल्कुल हेल्दी थे, इन्हें किसी भी तरह की कोई भी बीमारी नहीं थी। उस लड़की के कपड़ों पे जो खून मिला है वो भी किसी आदमी का है, लेकिन उसका डीएनए भी इन विक्टिम्स की बॉडी से मैच नहीं करता। इसका मतलब सर कोई और विक्टिम था। राइट आनंद, विक्टिम तो था एंड आई एम श्योर कि इस लड़की का इन आदमियों से कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है। सर मुझे लगता है कि हमें उस लड़के से एक बार फिर से बात करने की कोशिश करनी चाहिए, शायद उसे कुछ याद आ जाए। ठीक है, मैं एक बार फिर से कोशिश कर लेता हूँ और मैं ये मिसिंग कंप्लेंट्स चेक करता हूँ। अगर पूरनगंज से कोई मिसिंग है तो हमें मालूम चल जाएगा। ऑफिसर्स
ये केस बहुत सेंसिटिव है, हो सकता है कि आगे जाकर ये और भी उलझ जाए, इसलिए ध्यान रहे कि यहाँ जो कुछ भी डिस्कस हुआ है वो किसी और को ना पता चले। बाहर जाने से पैनिक फैल सकता है, इज दैट क्लियर? सर चलो लेट्स गोइंग। अब धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करता हूं। वेरी गुड, नाउ जस्ट रिलैक्स, कुछ भी मत सोचो, सिर्फ मेरी आवाज पे ध्यान दो, अपने दिमाग से सब ख्याल बाहर कर दो, जस्ट रिलैक्स। अब लंबी सी सांस लो, ब्रीद इन ब्रीद आउट, वेरी नाइस। अब अपने पूरे बॉडी को एकदम ही रिलैक्स कर दो, एकदम ढीला छोड़ दो। अब अपनी आंखें धीरे धीरे खोलो, खोलो आंखें, खोलो। वेरी नाइस। अब इस लाइट की ओर देखो और सिर्फ लाइट की ओर कॉन्सेंट्रेट करो। हॉस्पिटल, नर्स, सब अपने दिमाग से निकाल दो, सिर्फ कॉन्सेंट्रेट। वेरी गुड, वेरी नाइस। अब बताओ तुम्हें कुछ दिख रहा है? यस, सोचो सोचो, कुछ दिख रहा है? कुछ भी नहीं। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जस्ट रिलैक्स। अब मैं तुम्हारी मेमोरी को और रिफ्रेश करूंगा। यस, सिर्फ मेरी आवाज की तरफ ध्यान दो और सिर्फ मेरी आवाज सुनो। वेरी गुड। तुम एक जंगल में हो, भाग रही हो तुम, चारों ओर पेड़ है, सिर्फ पेड़ ही पेड़। अभी बताओ, बताओ बताओ, तुम्हें कुछ दिख रहा है? एक सड़क है। यस, हाँ, बहुत क्राउडेड है, बहुत सारे होर्डिंग्स हैं, एक बस स्टॉप है। वेरी नाइस। और एक बस तेजी से मेरी और आ रही है, और एक रेड कलर का क्रॉस है, बहुत सारे लोग हैं, शायद मुझे पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, मैं जानती हूँ उनको। वेरी गुड। अब देखो तुम्हारे दिमाग में जो भी थॉट्स है ना, इस पे लिख दो। तुम ड्रॉ कर सकती है तो ड्रॉ करो। यस, कम ऑन फास्ट, वेरी नाइस। यस, यू कैन डू इट। लिखो। कोई बात नहीं, रिलैक्स। सर में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत जोर से दर्द हो रहा है डॉक्टर, आई कांट टेक इट एनीमोर। कोई बात नहीं, जस्ट रिलैक्स। आज का आपका सेशन यहीं खत्म करते हैं। सिस्टर सुनो, इनको लेके जाओ और सुनो, पेन किलर दे देना इन्हें, ओके? टेक केयर। सिस्टर मुझे इनसे बात करनी है, अकेले में। सर उनकी हालत अभी ठीक नहीं है। इट्स ओके सिस्टर, इन्होंने मेरी जान बचाई है, मुझे इन पर पूरा भरोसा है। ठीक है, आइए इंस्पेक्टर। थैंक यू। अब कैसा फील कर रही हैं आप? क्या कोई तकलीफ तो नहीं है आपको? जी नहीं, ठीक हूँ मैं। अच्छी बात है। देखिए, हमने आपके अतीत के बारे में कुछ चीजें पता की हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको ऑपरेट करेंगे और आपको भी ये सब सुन के अपना कल याद आएगा। अच्छा, ऐसा क्या पता चला आपको? देखिए, आपको बताया गया होगा
कि आप हमें एक जंगल में मिली थी, उस जंगल तक आप कैसे पहुंची, ये चोटें आपकी कैसे लगी, ये पता करने के लिए हम रेलवे लाइन को फॉलो करते हुए जंगल के बाहर एक पुराने वेयर हाउस तक पहुंचे। ये वेयर हाउस सुनकर आपको कुछ भी याद आता है? जी नहीं। सोचिए, जंगल, वेयर हाउस, पुराना, कुछ नहीं। हम उस वेयर हाउस के अंदर गए और वहां पे हमको कुछ लोगों की लाशें मिली। लाशें? उनके सर उनके धड़ से अलग कर दिए गए थे। वहां पे किसी ने आग भी लगाई थी। अब आपको कुछ याद आ रहा है क्या? वो आग देखकर आप भागी थी? हाँ। यस। एक कमरा, खाली कमरा। खाली कमरा और एक बरांडा। क्या वहां पर एक बरांडा था? बिल्कुल था। और याद करिए, बहुत लंबा सा एक कॉरिडोर। बिल्कुल सही। यस। और याद करने की कोशिश कीजिए, दिमाग पे जोर डालिए। मैंने देखी है वो जगह, शायद मैं वहां पर गई हूँ। कब गई थी आप? इंस्पेक्टर, मेरा सर फटा जा रहा। देखिए, आई अंडरस्टैंड, लेकिन थोड़ा सा जोर और डालिए। याद करने की कोशिश कीजिए, आप कब गई थी वहां पे? लंबा कॉरिडोर, वो कमरा, वो लाशें। इंस्पेक्टर, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है, आप रिलैक्स प्लीज। सिस्टर, वो देखिए। मैम प्लीज, आप आराम। हमने आपको पहले भी इन पे प्रेशर डालने के लिए मना किया था, अब आप प्लीज इन्हें आराम करने दीजिए। I'm sorry. क्या ये औरत नाटक कर रही है? मुझे यकीन है केस का उन लाशों से कोई ना कोई संबंध जरूर है। क्या यही उन लोगों की कातिल है?